नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। संगठन एक ऐसी चीज है जिसके मंच के नीचे आप जो चाहोगे वो मिलेगा। अगर भिखारी की तरह हाथ फैलाओगे तो कोई कुछ नहीं देगा, उसके मन में आएगा पांच पैसा देगा। आपको देना है तो संगठन बनाना होगा, संगठन बनाते हैं आप, उसके लिए मरना और मिटना दोनों सीखना होगा। होगी कभी संघर्ष नहीं कर सकता। मैं सोनी राज, वर्तमान में मैं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी लखीमपुर में कार्य कर रही हूँ। उसके पहले सन 2008 में मैंने सफाई कर्मचारी के पद पर राजस्व ग्राउंड में ज्वाइनिंग ली थी। उसी दौरान मैंने, तब अगर देखा जाए तो हमारी उम्र 19 साल थी। उसी दौरान मैंने काम करते हुए एक महिला के नाते बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। तब बहुत से ऐसे कुछ करने का सपना था, कुछ आगे बनने का सपना था। आर्थिक रूप से हमारा परिवार कमज़ोर था, तो इस नौकरी को जब हमने ज्वाइन किया तो आर्थिक रूप से हमें सपोर्ट मिला और हम पढ़ने के लिए हमें मौका भी मिला। तो धीरे धीरे संघर्ष करते रहे। हम भी एक गांव से निवास करते थे, हम भी एक, हमारी भी जो सारी शिक्षा दीक्षा थी वो प्राथमिक विद्यालय में हुई थी, लेकिन मन में सपना था, कार्य करने की लगन थी। मेहनत के दौरान आज 2016 बैच में UPPCS के थ्रू हमारा सिलेक्शन हुआ। तो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी, किस तरीके से वो कार्य करें? जी, हमारा समाज को, हमारे जो भाई बहन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो आगे डॉक्टर इंजीनियर ISPCS बनना चाहते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि पढ़ने में गरीबी तो बाधा है, लेकिन मंजिल को प्राप्त करने के लिए बाधाओं को पार करना पड़ता है, समस्याओं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि मैंने किया है। और ये वास्तविक है कि मैंने किया है, तो आगे आप लोग भी कर सकते हैं। और शिक्षा ही ऐसा एक हथियार है, शिक्षा के द्वारा हम समाज में कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। समाज में फैली महिलाओं के प्रति कुरीतियाँ, इतनी सारी प्रथाएं जो हैं, जो यौन शोषण है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, और उन सब का सामना करते हुए हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और अपना समाज में सक्रिय योगदान दे सकते हैं। और हमारे जो महापुरुष, आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, ये भी हमारे एक प्रेरणा स्रोत हैं। इनके जो जीवन दर्शन है हमें अपनाना चाहिए और इन्हीं के मार्गदर्शन पे हम कार्य कर सकते हैं, हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली सेठ मोर्चा। सिर्फ हमें आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की क्रांति बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सफाई कर्मचारियों ने लखनऊ जनपद में, लखनऊ शहर में कैसरबाग चौराहे से होते हुए लोगों ने प्लास्टिक को बिना, कचरे को बिना, स्वच्छता का संदेश दिया, जो महर्षि वाल्मीकि सहित देश के तमाम शहीदों और महापुरुषों का सपना है कि एक स्वच्छ भारत और एक शक्तिशाली भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे हमारे डायरेक्टर साहब, प्रमुख सचिव साहब, DPRO साहब और सफाई कर्मचारियों का सपना है। हम उस समय शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए स्वच्छता का संदेश दिए और आज हमारे बीच में सफाई कर्मचारी से लेकर के PCS तक का जिन्होंने सफर तय किया, सोनी राज वगैरह, उनके पिताजी आदरणीय UP सिंह जी, प्रदेश महामंत्री जी, UTEC के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप सिंह जी और राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा, तमाम हमारे सम्मानित साथी लगभग 66 जनपद से लोग आए। आज हम लोगों ने महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई। सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार से ये कहना है, माननीय मोदी जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, माननीय योगी जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, बहन मायावती जी पुरानी पेंशन ले रही हैं,
केजरीवाल जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, राहुल गांधी जी और सोनिया जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, हमको भी पुरानी पेंशन चाहिए। और 10 वर्ष का समय पूरा हो गया है, सफाई कर्मचारियों को प्रमोशन का उसका संवैधानिक अधिकार है, सफाई कर्मचारी का भी प्रमोशन होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ों पर सरकार गंभीर नहीं होती है तो दीपावली के बाद उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संगठित होकर एक विशेष रणनीति बना करके बड़े कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो हम संवाद और संघर्ष जारी रखेंगे। इससे पूर्व में आपने कई आंदोलन जारी रखे हैं, लेकिन क्या कुछ है सरकार सुनने को नहीं तैयार है, क्या उसका विशेष कारण है? इसके पहले लगभग 2014 से ही आंदोलन हो रहे हैं, इन आंदोलनों में लगातार ये देखा गया है कि तमाम मांगें पूरी हुई हैं, ऐसा नहीं है, तमाम मांगें पूरी हुई हैं, स्थायीकरण हुआ है, संगठन को मान्यता मिली है, समय एक पाली में हुआ है, महिलाओं को 5 किलोमीटर की दूरी हुई है, तमाम ऐसे आर्डर हुए हैं उसका पालन भी हो रहा है। लेकिन जो हमारी मेन समस्या है पुरानी पेंशन और प्रमोशन, इसको हम किसी भी कीमत पर संघर्ष करके लेंगे। जब देश है, टैक्स है, संविधान है, तिरंगा है, तो पेंशन दो क्यों, ये विभेद नहीं चलेगा। अपने पुरानी जब हमें नहीं देने पुरानी देने की बात आती है तो सरकार कहती है कि पेंशन देश पे बोझ है। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे साथ तमाम पुरोधा बैठे हुए हैं, हम पूछना चाहते हैं पेंशन देश पे बोझ है, उनके लिए बोझ नहीं है और हमारे लिए पेंशन बोझ है? अगर राष्ट्रहित में नई पेंशन है तो सांसद और विधायकों को क्यों नहीं? ऐसा नहीं चलेगा, एक देश में दो कानून नहीं चलेगा, संविधान एक है तो कानून भी एक होना चाहिए।